हेलो नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आप सभी के सामने पढ़ाई से थोड़ा सा हटके, जो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई से रिलेट करने वाला है, एक टॉपिक को लेकर आई हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के बारे में। आप सभी को विदित है कि राजस्थान के 16वें विधानसभा चुनाव अभी कंप्लीट हुए हैं और उस विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा सरकार ने विजय प्राप्त की है और उसके अंतर्गत उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे उनको घोषणा भी कर दी है, उनके शपथ भी हुई है। उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के बारे में, तो श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जो है राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार के, या भाजपा सरकार आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये सांगानेर जयपुर से बिलोंग करते हैं और पहली बार इन्होंने विधानसभा का जो चुनाव था वो पहली बार इन्होंने लड़ा, पहली ही बार में ये जीते और पहली ही बार में ये मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, इनके साथ में दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर, जो दोनों उप मुख्यमंत्री, एक तो है हमारी श्रीमती दिया कुमारी जी, ठीक है, और एक है हमारे श्री प्रेमचंद जी बेरवा। अगर इनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर है, ठीक है, और इन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल करी। अभी जो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव जो हुए थे उसके अंदर सबसे बड़ी जीत इन्होंने ही हासिल करी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे श्री प्रेमचंद जी बेरवा के बारे में, तो ये जयपुर के दूदू विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ना कि दूदू जिले से। दूदू जिला अभी घोषित हुआ है लेकिन विधानसभा क्षेत्र इनका दूदू है, जो जयपुर जिले के अंतर्गत आता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि और किसको क्या पद मिला है, तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी जिनका नाम है वासुदेव देवनानी। क्या नाम है इनका? वासुदेव देवनानी, ठीक है। ये जो है अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, पहले बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और अभी हाल फिलहाल जो हमारी 16वीं विधानसभा है उस विधानसभा के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। इसके बाद आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले उस मुद्दे पर आ जाते हैं। आज मैं आप सभी के सामने बीजेपी सरकार ने अपनी शपथ के साथ में कुछ घोषणाएं करी है, एक रोड मैप बता दिया है कि हम आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान के अंदर इस प्रकार से काम करने वाले। तो इसके अंदर सबसे पहली जो घोषणा हमें नजर आ रही है वो दी है उन्होंने हमारे सभी बेरोजगार युवाओं के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का एक उन्होंने हमको लालच दिया है, लालच ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर हमें देख सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख सरकारी नौकरियों की इन्होंने क्या करी है, वादा किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम लोग लगभग 2.5 लाख नौकरियां आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। ऑन एन एवरेज हम देख सकते हैं कि 50,000 वैकेंसी प्रति वर्ष, या ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ में निकाल दे, ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट, जो भी होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारी ये घोषणा जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने करी है कि हम लोग 2.5 लाख वैकेंसीज निकालेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग अलग पोस्ट पर, ठीक है। अगला आपको नजर आ रहा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने यह देखा है कि राजस्थान जो है ना उसमें उद्योग के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर जो हमारा इकोनॉमी का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पर्यटन कौशल, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र राजस्थान के अंदर है ही पर्यटन मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म में। तो इन्होंने क्या बताया कि पर्यटन कौशल कोष बनाया एक, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास वाला है उसी प्रकार से है कि इसमें क्या क्या पर्यटन कौशल कोष बनाकर लगभग 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवाने का मौका देंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जिसके अंदर लगभग 5 लाख युवाओं को तो इस तरफ से रोजगार मिल जाएगा, उनको ट्रेनिंग देंगे, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बट उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और स्वरोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। तीसरा जो इनका मुद्दा है हमारे सामने वो आ गया है हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, जिसमें लगभग 15,000 तो डॉक्टर्स, ठीक है, और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करवाएंगे, ठीक है। 15,000 डॉक्टर्स तो हम समझ रहे हैं, 20,000 पैरामेडिकल का अर्थ ये होता है पैरामेडिकल के अंदर जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं वो सभी इसमें काउंट होते हैं, जैसे कि आपकी एक्सरे मशीन ऑपरेटर हो गए, सोनोग्राफी मशीन ऑपरेटर, पैथोलॉजी वाले, वो सभी स्टाफ इसके अंतर्गत आते हैं। और अभी कोविड महामारी के टाइम पे हम लोगों को सबको ये समझ में आया कि हमारा स्वास्थ्य वाला जो विभाग है वो हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, तो उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने इसके अंदर भी नियुक्ति की घोषणा करी है। चौथा जो पॉइंट आया है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पेपर लीक मामला,
ठीक है, ये सारे घोटालों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर लीक मामला, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, मतलब जो किसानों को खाद जो मिलती है उससे रिलेटेड कुछ घोटाला हुआ था उसके लिए, फिर है मिड डे मील योजना में, खनन में, पीएम आवास योजना, ठीक है, पीएम आवास योजना चली थी उसके अंतर्गत, और जल जीवन मिशन के अंदर जो भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जिसके अंतर्गत इनकी पूरी बहुत अच्छे से निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद में दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगली घोषणा की तरफ चलते हैं। अगली घोषणा जो हो गई है वो इन्होंने ऐसा कहा है, मैं यहाँ से पढ़कर बोल रही हूँ कि कांग्रेस राज में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा। ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है कि किसान, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय जो किसान थे वो लोन वापस से रीपे नहीं कर पाए थे, उन्होंने जो लोन लिया था अपनी कृषि की जमीन के ऊपर तो वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाए थे और इस वजह से बैंक ने उनकी जमीन को हड़प लिया था। हड़प तो क्या लिया था, उनकी जमीन नीलाम हो गई थी और उससे बैंक ने अपना लोन का पैसा लिया। तो ऐसे जो भी किसान उनको चिन्हित कर उनका जो भी पैसा है उनको मुआवजा देगी, कौन देगी, बीजेपी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना लेकर आए हैं, इसमें गरीब परिवार की छात्राएं जो रहेगी, जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट जो भी है, उनको केजी से लेकर पीजी तक बिल्कुल मुफ्त, वो भी और मुफ्त में, ऐसा नहीं कि गुणवत्ता नहीं होगी, मुफ्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी निःशुल्क। यानी महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, किंडरगार्टन से लेकर, यानी कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी से लेकर जब तक कि वो पीजी में आ जाती है, एमए एमएससी एमकॉम जो भी डिग्री वो करना चाहती वहाँ तक निशुल्क करेगी। इसका क्राइटेरिया अभी नहीं बताया है कि कौन से गरीब परिवार, लेकिन फिर भी आप एक क्राइटेरिया हम इनकम टैक्स वाला ही पोर्शन मान सकते हैं कि टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर या उस तरीके से कुछ करके इसको हमारे धरातल पर लेकर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको नजर आ रही है पीएम उज्ज्वला योजना। अब देखिए, पीएम उज्ज्वला योजना पहले भी राजस्थान में चल रही थी, उसमें सिलेंडर्स के दामों में फर्क था, तो अभी जो दाम है वो इन्होंने कर दिए 450 रुपए के अंदर आपको महिला को एक सिलेंडर प्रति माह मिलेगा। ठीक है, 450 रुपए अब किस प्रकार से रहेगा, कि सब्सिडी मिलेगी, जो भी होगा वो सब बाद की बात है, अभी केवल घोषणा है कि महिलाओं को पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर जिन जिनके भी गैस कनेक्शन है, जिनके भी सिलेंडर आते हैं, उनको केवल 450 रुपए में सिलेंडर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगली घोषणा देखिए, अगली घोषणा है पुलिस डिपार्टमेंट से है, महिलाओं के लिए है कि हर जिले में एक तो महिला थाना खुलेगा जिसके अंदर सभी पदों पर महिलाएं काम करेगी, महिला थाना। ठीक है, फिर है आपका महिला डेस्क, यानी कि अगर कभी किसी जिले के अंदर हम जाएं, और क्योंकि देखो एक जिले में एक महिला थाना बना रहे हैं तो बाकी थानों का क्या, अगर वहां कोई महिला के साथ कोई अपराध होता है या महिला वहां पर जाती है तो वहां पर उनके लिए एक महिला डेस्क मतलब बनाई जाएगी, जिस डेस्क पर महिलाएं जाकर अपनी जो भी समस्या है उसका निवारण करवा सकती है। उसके अलावा जितने भी प्रमुख शहर है, बड़े बड़े शहरों के अंदर, सभी प्रमुख शहरों के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो मंचले युवाएं हैं, ठीक है, जो जितने भी मंचले युवक होते हैं जो युवतियों के साथ छेड़छाड़ इस प्रकार की अवांछनीय घटनाएं जो करते हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए रोमियो स्क्वाड का गठन होगा, जो भी महिलाओं के द्वारा होगा। अब यहां पर एक चीज और देखिए, आप सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि अगर पुलिस थाना बनता है महिला का या ऐसे डेस्क बनते हैं महिलाओं के, तो यहां पर महिलाओं के पदों की भर्तियां भी आराम से होगी, मतलब यहां पर भी हमको भर्ती देखने को मिलेगी। अगला जो है नेक्स्ट, वो भी फिर किसानों के लिए आ जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि, ये योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है। उस योजना के अंतर्गत पहले राजस्थान में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 12,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अगली घोषणा देखें, अगली घोषणा फिर से बालिकाओं के लिए आ गया है कि मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत अगर 12वीं पास करती है लड़की और वो मेधावी है, अर्थात प्रतिशत के आधार पर मिलेगा, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे उन स्टूडेंट को, फीमेल को, गर्ल्स को क्या मिलेगी, स्कूटी मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, अगली और आखिरी घोषणा जो हम लोग यहाँ देखेंगे, ये फिर से बालिकाओं के लिए घोषणा दी है जिसका नाम रखा है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत अगर किसी के बालिका का जन्म होता है तो उसे लगभग 2,00,000 रुपए की सेविंग की बॉन्ड से वित्तीय सहायता कराई जाएगी। ये सहायता पहले भी मिलती रही थी, ठीक है, लेकिन उस समय बॉन्ड नहीं था, उस पैसों का यूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इस बार क्या करेंगे, ये पैसा बॉन्ड के रूप में मिलेगा, मतलब आप उसे एज एफडी या इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसकी जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 2,00,000 रुपए। अब ये जितनी भी घोषणाएं हैं, ये सभी घोषणाएं मैंने आपको समझा दी है, इस घोषणाओं से आप एक चीज देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार राजस्थान के अंतर्गत जिन मुद्दों पर फोकस होना चाहती है, पहला मुद्दा जो उन्होंने उठाया बेरोजगारी का, जिसके अंदर चाहे स्वास्थ्य विभाग में रोजगार लेकर आए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लेकर आ रही है, चाहे फिर सिंपली वैकेंसीज लेकर आ रही है, वो डिपार्टमेंट और
दूसरा सबसे इनका जो रहा है प्रॉमिसिंग डिपार्टमेंट वो रहा है महिला वाला, यानी बालिकाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, तीसरा वो किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आए हैं, और चौथा मुद्दा जो कांग्रेस सरकार के टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कुछ हुआ है ठीक है तो उसके जो घोटाले हैं उनका निवारण के लिए जो SIT का गठन है वो भी बहुत ज़्यादा हम लोग उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने वादे निकाले हैं इन वादों पे खरे उतरे ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो और उनके लिए भी बहुत ही अच्छा हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही सफिशिएंट करते हैं। इस प्रकार के जितने भी अन्य अपडेट्स रहेंगे उन सभी अपडेट को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।